तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लासेस में, जो कि हम एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस में हम एक मुनीष जी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। चलिए सबसे पहले हम प्रॉब्लम के बारे में आपको बता देते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि मुनीष जी के पास 4 सीटें हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, और इन फ्यूचर में ये आगे की तरफ बढ़ेगा भी। उनका हर डेटा में कस्टमर आईडी है और हर डेटा के कॉलम सी का डेटा हमें लेके आना है। मतलब कि डिफॉल्ट सीट पे अगर मैं यहाँ पे कस्टमर आईडी डालूं तो उस महीने उस कस्टमर आईडी के हर मंथ का जो पेनल स्टॉक है वो पेनल स्टॉक यहाँ शो कर जाए, जिसको हम चार्ट के जरिए रिप्रेजेंट कर सके। तो इसको तो हम वीवी के थ्रू भी कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है कि वीवी के थ्रू अगर आप करते हैं तो एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम कभी भी आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि सबसे पहले आप वीवी इस्तेमाल करें, क्योंकि वो वीवी इस्तेमाल करने के बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं, जो कि हमने क्लास की स्टार्टिंग में बताया था। इस कारण से इसको फॉर्मूले के जरिए किया जा सकता है। तो चलिए फॉर्मूले के जरिए करते हैं और हम बाद में आपको वीवी के जरिए भी बताएंगे कि कैसे होगा। तो बेसिकली कस्टमर आईडी में कोई एक पिक कर लेता हूं मैं, मान लीजिए कि इस कस्टमर आईडी को हमने पिक कर लिया, कहां से, यहां से। अगर मान लीजिए मैं वी लुकअप लगाता हूं और यहां सर एक यहां पे एक चीज और है कि इसमें कस्टमर आईडी एक ही बार होगा कि रिपीटेड भी होगा मुनि जी? इसमें रिपीटेड भी हो सकते हैं, तब तो सबका सम चाहिए, वो सम करेगा। मतलब कि आपको डेटा लुकअप नहीं डेटा सम करना है, राइट सर? हाँ, तो डेटा सम करना है, देन वी लुकअप नहीं, तब सम इफ लगाना पड़ेगा। सम इफ, इसमें हमारे पास एक ही कंडीशन है इसे सम इफ लेते हैं, अगर मल्टीपल कंडीशन होता तो सम इफ्स लिया जाता। लेकिन सम इफ हमने यहाँ दिया रेंज कि जनवरी में जाओ और हमने बोला कस्ट आईडी को मैच करो, और यहाँ डिफॉल्ट में आए और हमने कस्टमर आईडी को सिलेक्ट किया और हमें सी कॉलम को यहाँ पे सम करना है। बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम ये रहेगी आपको कि हर महीने हर डेटा आपका सेम होना चाहिए, मतलब कि हर डेटा का स्टार्टिंग में कस्टमर नंबर और सी का ही डेटा उठाएगा सर। अगर कॉलम इधर उधर होता है तो थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, ये आ गया। लेकिन अब यहाँ फैब का तो नहीं आएगा, तो आप रेंज को देखिए कि अगर हम यहाँ पे जैन के जगह पे जैन दिख रहा है, इसके जगह पे फैब कर दे तो फिर फैब से डेटा उठाएगा। मतलब कि ये जो जैन है इसको हम यहाँ से पिक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और हम कॉन्केटा नेट में इनको रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने एड्रेस को मैन्युअली बना दिया, जो कि आप देख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम एंटर मारते हैं। लेकिन नहीं लिया, क्यों नहीं लिया? इसका ना लेने का पीछे एक रीजन है। रीजन ये है क्योंकि ये जो वाई कॉनकेटा नेट लगने के बाद ये टेक्स्ट हो गया, ये आपका नंबर नहीं रहा, क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया। तो यहाँ पे हम जो है इसको रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए इनडायरेक्ट का इस्तेमाल किया। और जो लोग हमारी एक्सेल की क्लासेस ले चुके हैं उनको पता होगा, सॉरी, उनको पता होगा कि ये इनडायरेक्ट फीचर हमने वी लुकअप में इस्तेमाल किया था। अब इसको नीचे ड्रैग करने से पहले हम B2 को फ्रीज करते हैं और इसको नीचे करते हैं। लेकिन इसमें यहां देखिए ये नीचे आ गया। अब देखिए, हाँ देखिए, यहाँ पे दिक्कत है कि सीट नेम आपका सही होना चाहिए, मार्च। अब इसके ऊपर आप चार्ट बनाना चाहते हैं तो चार्ट बना सकते हैं। मुनीर जी, प्रॉब्लम सॉल्व हुआ आपका? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे मान लीजिए कि अगला महीना जुड़ा, जैसे मान लीजिए कि मैं इसी को कॉपी कर देता हूँ और मई के बाद मैं जून कर देता हूँ, जून कर दिया ना सर। अब यहाँ पे मुझे जून को यहाँ लिखना है आपको और इसको कॉपी पेस्ट कर देना है। आ गया जून का डेटा? लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि इस तरह से हम डेटा को ऊपर नीचे करें,
हम चाहते कि मेरे पास जैसे सीट बने यहाँ लिस्ट में आ जाए, समझ गया सर? जी मैं चाहता हूं कि मैं सीट सीट का लिस्ट ऑटोमेटिक लेके आना चाहता हूं। अब इसके लिए हम वीवी इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये चीज एक्सेल से नहीं हो सकती है, समझ गए? तो कैसे करेंगे? तो आप जो है वीवीए के जरिए अपना फॉर्मूला बना सकते हैं, वीवीए के जरिए आप अपना फॉर्मूला बना सकते हैं मॉड्यूल्स में जाके। तो कैसे स्टार्ट करेंगे? यहां लिखेंगे फंक्शन, और फंक्शन में यहां पे सीट नेम, और यहां एन एज ए मैं यहां लॉन्ग ले लेता हूं, एक लॉन्ग डेटा टाइप, और यहां पे करता हूं एस एन इक्वल टू सीट्स, और सीट में हमने ने दिया एन डॉट नेम। अब देखिए क्या करेगा। अब यहां पे मुझे क्या करना है कि फॉर्मूला एस एन अप्लाई करना है। एस एन फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपको अब इसमें क्या है, पहला डिफॉल्ट है आपका, दूसरा लिस्ट है, तीसरे से देना है। तो मैं यहां पे फॉर्मूला रो का लगा देता हूं, रो माइनस इसमें मुझे तीन से नंबर चाहिए, समझ गए? तो रो आपको सिक्स दिखा, सिक्स माइनस थ्री, और आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर लीजिए। अब यहां पे एरर आने का चांसेस है, तो एरर में क्या करेंगे आप, इफ एरर का फॉर्मूला, इफ एरर, और यहां पे आप दे देंगे कॉमा ब्रैकेट। तो इसमें जैसे कोई नई सीट ऐड होगी, जैसे मान लीजिए कि मैं जून के यहां, इसको भी आप नीचे की तरफ ड्रैग कर दीजिए, लेकिन इस पे भी आरएफ आरएफ आएगा, तो आप इसमें भी इफ एरर का फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन यही दिक्कत हो गई, आपने इसमें वीवीए फंक्शन अप्लाई कर दिया, तो वीवीए फंक्शन में दिक्कत क्या होता है, यहां पे हम इसको यहां से आगे ड्रैग करते हैं, जून के जगह पे मैं यहां पे मान लो जुलाई देता हूं, जुलाई, और यहां पे हम लेते हैं, अब यहां पे अब दिक्कत आ गया कि एक बार आपको इसको अपडेट करना पड़ेगा, कैलकुलेट जो है ना करना पड़ता है, या फिर इसको एक बार नीचे इस तरह से कर दे तो सही हो जाएगा आपका, या ये ओपन होगा तो सही हो जाएगा। वीवीए फंक्शन हमें एक तो जैसे अपडेट होता है चेंज हो जाता है, लेकिन सोर्स वगैरह चेंज होता है तो एक बार उसको डबल क्लिक करके एंटर मारना पड़ता है, या फिर कोई एक फॉर्मूला अपडेट करना पड़ता है तो अप्लाई हो जाता है। तो अब इसमें इससे फायदा क्या हुआ, इससे एक फायदा है कि आपके नंबर ऑफ सीट चाहे जितना बढ़े घटे, आप यहाँ पे फॉर्मूला नीचे तक लगा के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? दूसरी चीज है कि स्पेलिंग चाहे जो भी हो उसको बाउंडेड करने की जरूरत नहीं है कि भाई स्पेलिंग आपका जो आपने यहां लिख रखा यहां होना चाहिए, क्योंकि इसी को यहां और रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिक्कत क्या है कि इसमें वीवीए फंक्शन लगा हुआ है, तो ये माइक्रो अनेबल वर्कबुक होगा और ये उसी पीसी पे परफॉर्म करेगा जिस पीसी पे माइक्रो अनेबल होगा, बस एक छोटी सी दिक्कत है इसमें। मुनीष जी प्रॉब्लम सॉल्व। जी सर, इसमें दूसरे कॉलम्स भी हैं आगे, तो यहाँ पे आप चेंज कर दीजिए ना, यहाँ पे देखिए किसका, आपने सी का उठाया हुआ है ना, नहीं इसके आगे सी कॉलम में डालना, ये नहीं कॉलम में है, तो सारा डेटा, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि इसके बाकी कॉलम्स की डेटा आपको, जैसे आपको एफ का चाहिए, आई का चाहिए, तो आप इसी फॉर्मूले को आगे ड्रैग कर लीजिए और ये सी के जगह पे आई एफ कर दीजिए, समझ गए? इतना तो कर ही सकते हैं सर आप। हाँ ये कर सकते, ओके okay? और इस पे चार्ट वार्ट बनाना है तो लगा ही सकते हैं आप जी। तो फाइनली प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर। अब देखिए दिख रहा है सर आपको, आपने फाइल भेजा है मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्कबुक, तो मुझे इसको सेव एज करना पड़ेगा, तब जाके वीवीए कोड सेव होगा। इसलिए मैंने आपको बोला कि हम वीवीए को प्रेफरेंस नहीं देते हैं, हम एक्सेल को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हम वीवीए उस पर ट्राई करते हैं। तो आप अपने यूज के अकॉर्डिंग, अगर ये फाइल सिर्फ आपकी पर्पस से है तो आप वीवीए इस्तेमाल करें, अगर कहीं और भेजना है
तो आप सोच समझ लीजिएगा कि वहां पे भी एक VVM माइक्रो अनेबल होना चाहिए, तभी ये परफॉर्म करेगा। बाकी लोगों को समझ में आया कि नहीं? सर समझ में आ गया जी सर। सर वो VBA का जो फंक्शन है वो एक बार जस्ट एक बार समझा दीजिए ना, VBA में आपने जो किया वो। क्यों को समझना है, नाम बताएंगे? संतोष। ओके संतोष जी, हमने कुछ ज्यादा तोप नहीं मारा VBA में। सिंपल सा हमने क्या किया हुआ है कि यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, हमने बोला आपको आपको याद होगा सीट का कॉलिंग मेथड, याद है मुनीत जी आपको सीट कॉलिंग मेथड? तो यहाँ पे नंबर अगर वन देते हैं तो वो पहले नंबर पोजीशन का सीट को रेफर करता है, समझ गए? टू दोगे तो दूसरे को, थ्री दोगे तीसरे को, चौथे को। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला बनाया, सिंपल सा फॉर्मूला बनाया कि भाई जो सीट का नंबर यहाँ पे होगा उसका नाम बाहर रिप्रेजेंट करेगा, समझ गए? जो सीट का नंबर देगा वन, पोजीशन नंबर 1 2 3 4 5। तो हमारे डेटा में अब यहाँ पे हमने कुछ और थ्योरम किया हुआ है, हमारे डेटा में क्या है कि डिफॉल्ट पहली सीट है, दूसरी सीट आपके लिस्ट है, तीसरी से हमारा स्टार्ट है जैन फेब मार्च वगैरह। तो हमने सीएल नंबर में यहाँ पे फॉर्मूला रो का लगाया। रो फॉर्मूला क्या करता है, जिस सेल में आप फॉर्मूला लगाओगे उसी सेल में वो उसका नंबर देता है, तो रो नंबर देता था, 6 आ गया, लेकिन मुझे यहाँ 3 4 5 चाहिए, तो हमने इसमें से -3 कर दिया, तो मुझे अब 3 4 5 6 का इस तरह का नंबर आ गया। और हमने सीट में इसको कॉल कर दिया, यहाँ पे SN जो सीट नेम है, सीट नेम इसको दे दिया। तो सीट नेम क्या किया, सीट नेम देखा कि पहला दूसरा तीसरे सीट का नाम यहाँ पे दे दिया, क्योंकि कोड में क्या लिखा हुआ है, seat3.name, एन मतलब 3.name, 4.name, तो 3 में आपका ये आ गया। 3 मतलब सीट 3 लिखा हुआ और नहीं, इसका पोजीशन है 1 2 3, तीसरे नंबर पे है, समझ गए संतोष जी? समझ में आया? यस सर, यस सर। अगर सीट आगे पीछे करते हैं तो देन वही लेगा वो, सीट आगे पीछे करते हैं तो आगे पीछे नेम देगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिस्ट, यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैं फरवरी को दूसरे पोजीशन पे दे देता हूँ तो फिर दूसरे पोजीशन पे आएगा, तो फरवरी जो है आपका पहले पोजीशन, जैसे ही अपडेट होगा है फरवरी आपका पहले पोजीशन पे आ जाएगा। सर ओके गॉट इट। तो इसलिए पोजीशन आप देखेंगे हिसाब से। अब पोजीशन से एक आया कि एक हमारे चलिए आगे बढ़े, इसमें ए प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। चलिए